नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिकल फैक्ट चैनल पे। मैं अश्वनी आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई टाइम गवाए। तो एक पूरा प्रश्न है, इस आप प्रश्न को देख सकते हो, एकदम नॉर्मल प्रश्न है पर बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में निम्नलिखित लोड लगा हुआ है। तो देखिए, इंस्टॉलेशन क्या हो गया, एक वायरिंग किसी स्थान या किसी भवन की वायरिंग है जिसमें निम्न लोड है। लोड आपका नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, ऐसे करके नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, इतने लोड हैं आपके। इन्हीं लोड को देखते हुए हमें इस पर हमें बात करना है। ठीक है, तो पहला, एक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में निम्नलिखित लोड लगा हुआ है। पहला है 20 लैंप, प्रत्येक लैंप 100 वाट के हैं और 6 घंटे काम करते हैं। और फिर दूसरा है 10 लैंप, प्रत्येक 120 वाट के हैं और 12 घंटे काम करते हैं। और तीसरा है एक हीटर जो 2 किलो वाट का है और 3 घंटे काम करता है प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन का दिया हुआ है। और चौथा है एक 2 एचपी का मोटर जिसकी दक्षता है आपका 85% या 85% और 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। और आपको इस प्रश्न में जो मेन है वो आपका है मासिक खपत और बिजली का बिल ज्ञात करो। यही ज्ञात करना है कि मासिक खपत क्या कितनी होती है और इसका जो बिजली बिल है वो कितना होगा। और बता दें आपको कि लाइट और पंखे के लिए जो प्रति यूनिट आएगी वो 2.20 प्रति यूनिट आएगी। और पावर का रेट जो है पावर, ठीक है, उसके पहले हमें जो बिजली निकालना होगा वो हमें यूनिट में निकाल के, और जो पावर खपत होगी यानी हीटर और मोटर से, ये 3 नंबर और 4 नंबर, उसको 4.50 रुपये प्रति यूनिट के दर से हमें निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो ताकि आपको इस प्रश्न के बारे में टोटल पता हो। लिख लीजिए, अगर आपको वीडियो इसके प्रश्न को लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो आपका है नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, इनका सभी का जो टोटल खपत है वो निकालना होगा पूरे एक महीने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 20 लैंप प्रत्येक 100 वाट के हैं, 6 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 लिखा और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि प्रत्येक 100 वाट के हैं, उसके बाद 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको यूनिट में बदलना है यानी किलोवाट में बदलना है। पहले किलोवाट घंटे में, वही किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यूनिट के बराबर होता है, आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो कई वीडियो में बता दिया आपको। ठीक है, इसको यूनिट में बदलना है, तो यूनिट में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 12 किलोवाट आवर। यानी अगर ये 6 घंटे काम करता है तो एक घंटे में 12 किलोवाट लेगा और 12 किलोवाट आवर के हिसाब से 6 घंटे का 72 आएगा आपका। अब अगला जो सेकंड है आपका, आपका 10 पंखे हैं प्रत्येक 120 वाट के और 12 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके 10 पंखे, पहली बात आपका 10 पंखा हो गया, उसके बाद 120 वाट के हैं, फिर गुड़े कितने 12 घंटे काम करते हैं, फिर बटे में 1000, इसको किस में बदलने के लिए, यूनिट में बदलने के लिए। आपका जो ये आ रहा है इसको किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं और किलोवाट आवर भी बोल सकते हो आप, इससे आप निकाल लिए। तो ये क्या आ गया आपका 14.4 किलोवाट आवर आ गया या 14.4 यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसका प्रतिदिन का इतना खपत आया। अब आप देख रहे हो इसका लैंप का जो टोटल आ गया, लैंप और पंखे की कुल खपत आपकी कितनी आई, 12 किलोवाट आपका लैंप का आ रहा था और 14.4 किलोवाट आपका किसका आया, वो आया है आपका फ़ैन का। तो टोटल कितना 26.4 किलोवाट आवर ये किसका हो गया, आपका लाइट और फ़ैन का। यानी इसका जो रेट लिया जाएगा वो 2.0, जो यूनिट का रेट बताया गया था 2.0 करके कुछ था, क्या था आपका 2.20। ठीक है, तो उस रेट से इसका लिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की, तीसरा है आपका तीसरा है एक 2 किलोवाट का हीटर 3 घंटे काम करता है। यानी 2 किलोवाट का है तो 2 × 1000 वाट होता है। ठीक है, 2 × 1000 और फिर मल्टीप्लाई बाद 3 घंटे रोज काम करता है, तो 3/1000 यूनिट में बदलने के लिए। तो ये आपका आ गया, आपका इसका आ गया 6 किलोवाट प्रति आवर या 6 किलोवाट, ठीक है, या 6 यूनिट प्रति आवर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं
अब चौथा क्या है, ये भी पावर में आएगा, तो यह है एक मोटर में दो, एक मोटर 2 HP की दक्षता, एक मोटर 2 HP की है जिसकी दक्षता है 85%, 4 घंटे काम करती है। तो खपत इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 HP 2 × 1 HP हम ब्रिटिश BHP में लेंगे, तो ब्रिटिश हॉर्स पावर होता है 746 वाट, ठीक है, गुड़े में 100 आपका किस्म जो आपका इसमें आप देख रहे हो 2, और फिर HP का जो 746 हो गया, और प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है तो उसके लिए 4, ठीक है। और आपका प्रतिशत का है तो गुड़े में 100 करके बटे में 85, क्योंकि 85% इसकी दक्षता है, अब प्रतिशत 100 में होता है तो इसलिए 100 का गुड़ा, उसके बाद नीचे 85 भाग में चला जाएगा, और बटे में 1000, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, यूनिट बदलना है यानी किलोवाट आवर में बदलना है, तो इसका आ गया 7.021 किलोवाट आवर, ठीक है। अब ऐसा हीटर का आ गया, हीटर का जो कुल खपत आ गया, हीटर और मोटर ये पावर है तो इनका पावर खपत निकालना है हमें, कुल खपत इनका आएगा 6 + 7.021 बराबर, इसको जब आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 13.021 किलोवाट आवर, ठीक है। ये दोनों का आ गया, यानी हीटर और मोटर दोनों का ये कितना आ गया, 13.021 किलोवाट आवर। और एक महीने में लाइट का खर्चा यदि इसका उसका रेट अगर इसका कितना है, एक महीने में लाइट का खर्चा यदि उसका रेट 2.20 प्रति यूनिट है, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे, उसके बाद आप देखिए इसको क्या करना है आपका, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लाइट यदि लाइट और पंखे का रेट 2.20 प्रति यूनिट है, ठीक है, लाइट और पंखे का लिया गया है, तो इसमें छोटी सी आप देख रहे हो हर महीने, एक महीने में लाइट का खर्चा जो है यदि RS यानी कितना रुपीज़ है, 2.20 प्रति यूनिट है, ठीक है। तो प्रति यूनिट के हिसाब से जो आपका यहाँ निकाला गया है, प्रति यूनिट आपका निकाला गया है टोटल, वही देखना है, पहले लाइट और फैन का टोटल कितना आया ऐड करने पे, वो आपका आया है 26.4 किलोवाट आवर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब उसका लिया गया था 2.20, तो इसको आप देखिए 2.20 के समय जगह मैं 220 रख के नीचे 100 से भाग दूंगा, उसके बाद गुड़े 30, क्योंकि 30 दिनों का लेना है, तो हमारा कितना आ गया, उसके बाद आ गया आपका 1742.40, ठीक है। इतने रुपये आपका कितना आ गया, एक महीने का खर्च आ गया लाइट और फैन का, ठीक है, क्योंकि जो आपका लाइट और फैन का वाटेज किलोवाट आवर इसमें आया था 26.4 किलोवाट आवर, पंखे और लाइट का दोनों का ऐड करने के बाद, उसके बाद 2.20 यानी 2.20 था प्रति यूनिट के हिसाब से, तो प्रति यूनिट यानी 26.4 यूनिट है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे, उसके बाद गुणे में 30, तो यहाँ पर एक पॉइंट था, तो यहाँ पर हमने नीचे 100 से 100 से भाग दे दिया, तो आपका क्या आ गया, अगर आप इस 100 से भाग मत दो, यहाँ पर पॉइंट रहने दो, तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो आ गया आपका लाइट और फैन का, अब बात करते हैं इसकी, अब आपका जो है एक महीने में पावर का खर्चा यदि उसका रेट 4.50 रुपीज़ है, यानी प्रति यूनिट में इतना आ रहा है, तो आपका इसका जो आया था प्रति मतलब दोनों हीटर का और मोटर का दोनों का यूनिट जो आपका आया है 13.021 यूनिट या 13.021 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये प्रतिदिन का खर्चा, प्रतिदिन का इतना यूनिट खर्च है, उसके बाद आपका जो 4.50 है आपको इसका मैं पॉइंट हटा के सीधा 450 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया हूँ, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, 30 दिनों का आपको निकालना है, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो नॉर्मली यही 30 दिन लेते हैं, तो आपका आ गया 30, इसमें से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जो पॉइंट के मैंने जो पॉइंट के स्थान पे 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आ गया आपका जो इसका पावर वाले का आया वो आया है 1757.83 इतने रुपए में आए, ठीक है। तो एक महीने में कुल एनर्जी की खपत का खर्चा जो कितना आ गया, पहले तो लाइट वाले का 1742 रुपये, और फिर आपका प्लस उसमें करेंगे 1757 रुपये, एक इसका आया ये मोटर वोटर का आया, जो मोटर और हीटर का खर्च है वो आपका 1757 रुपये आया। तो जब मैंने टोटल उसको प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 3500.23 रुपये, तो
तो आपका टोटल मतलब कि एक महीने का खर्च आ गया, जो टोटल लोड चल रहे हैं उनका खर्च आ गया प्रति यूनिट करके मैंने निकाला। ठीक है, इस तरीके से आप पहले तो वाटेज निकालोगे, फिर उसके बाद यूनिट क्या हो, उनकी यूनिट की खपत कितनी है वो निकाल लोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसका मेन मंथली में जितना भी पैसा है आपका, मतलब जितना भी जितने भी दिन चला उससे दिन से भाग दोगे, दे दो मतलब गुणा कर दोगे, तो आपका आ जाएगा रुपये में कि कितने रुपये लगने वाले हैं या फिर कितने रुपए खर्च होंगे प्रति यूनिट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जहाँ पर ना समझ में आया हो वहाँ पर आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हो, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने क्वेश्चन को अभी तक नहीं लिखा है तो इसको आप लिख के एक बार समझ के तब उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और प्रश्न कहाँ तक समझ में आया। जो भी ना समझ में आया हो ध्यान से पूछ लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 50% है इसमें 100 का गुणा है, तो आप जब इसको आप पहले ऊपर 100 का गुणा करेंगे तब ये परसेंट से बटे में आ जाएगा और बटे में 85। ठीक है, तो ऐसा होगा, तब इस तरीके से निकालिएगा। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि इसमें जो 2 HP दिया गया है, 1 HP बराबर कितना लिया जाता है, BHP से मैं लूँगा क्योंकि ब्रिटिश हार्स पावर 1 HP में होते हैं 746 वाट। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, पावर के लिए जो हीटर और मोटर्स की जो हैं लोड, उनको पावर लोड कहते हैं, और ये भी जो लाइट फैन के लिए, इनको हल्के लोड कह सकते हो आप, तो इसके लिए अलग रेट है। इसके लिए आप 2.20 प्रति यूनिट की रेट से आप चार्ज लगेगा, और जो पावर लोड है उसके लिए आपको 4.50 प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो इस हिसाब से चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस से आपको भाग देना है, अलग अलग तरीके से इसके आंसर आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो भी ना समझ आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।